कोई भी खाने की चीज देसी घी में बनी हो तो माना जाता है कि उसकी पौष्टिकता और भी बढ़ गई है, क्योंकि देसी घी का सेवन करने के कई फायदे हैं। लेकिन सोचिए, जिस देसी घी को आप सेहत बनाने के लिए खा रहे हैं, अगर वो नकली हो तो? जी हाँ, फरीदाबाद में नकली घी बनाकर बेचने वाले दो आरोपियों को क्राइम ब्रांच बॉर्डर की टीम ने छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। टीम ने मौके से नकली घी में प्रयोग किए जाने वाले वनस्पति तेल और देसी घी के फ्लेवर समेत भारी मात्रा में देसी घी बनाने वाली नामी कंपनियों का पैकिंग मटेरियल भी बरामद किया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मित्र सेन और धर्मेंद्र का नाम शामिल है। दोनों आरोपी बल्लभगढ़ के अनाज मंडी के पास रहते हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने दोनों आरोपियों को अपने सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना आदर्श नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। साथ ही साथ 1563 लीटर नकली देसी घी, 1185 लीटर रिफाइंड, 20 टिन रिफाइंड तेल, 4 लीटर देसी घी फ्लेवर आदि बरामद किया है। यही नहीं, बरामद सामान में नामी कंपनियों के पैकिंग मटेरियल जिसमें मिल्क फूड, पतंजलि, अमूल, मदर डेयरी, पारस, मधुसूदन आदि कंपनियां शामिल हैं। आरोपियों के खिलाफ थाना आदर्श नगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये आज क्राइम ब्रांच बॉर्डर संदीप की टीम ने दो ऐसे आरोपी पकड़े हैं जो नकली घी बनाने का काम करते थे। तो करीब 1563 जो नकली घी है हमें मिला है, और 1185 लीटर रिफाइंड मिला है, और 300 लीटर ऑयल मिला है, और 4 किलो देसी घी मिला, ओरिजिनल देसी घी। और ये को कुछ जो ऐसे उपकरण मिले हैं जो इनको मिक्सिंग करके और नकली घी तैयार करके, और ये जो पतंजलि है, मधुसूदन है, मदर डेयरी है, अमूल है, मिल्क फूड है, कृष्णा घी है, इस तरह के घी के पैकेट में पैक करके और मार्केट में बेच रहे थे। आरोपियों को आज पुलिस रिमांड पर लिया गया है। 4 दिन का पुलिस रिमांड है। पुलिस रिमांड के दौरान पता लगाया जाएगा कि ये कहाँ कहाँ किन दुकानों पर सप्लाई करते थे और कहाँ से ये जो कार्टन जो है मधुसूदन और इनके लेके आते थे। देखने में दोनों ओरिजिनल लगते हैं, और इनकी जो कॉस्ट है वो करीब 125 से 150 रुपये के आसपास कॉस्ट है इसकी बनाने की, और ये एंड में जो कंज्यूमर है उसको वही घी है जो ओरिजिनल घी पड़ता है उसी रेट में दुकानदार इनको बेचते थे। अभी तक के प्रामाणिक में पूछताछ में ये पता लगा है, तो काफ़ी मोटा मुनाफा कमाते थे। तो कहाँ कहाँ किन किन दुकानों पर इन्होंने घी बेचा है तो इसका पता लगाया जाएगा रिमांड के दौरान। और अभी त्यौहार का सीजन है जैसा सभी को पता है, तो ऐसे में ये लोग ज़्यादा ये खपत करते हैं, तो लोगों से अपील है कि जब घी ले तो थोड़ा सावधानी से चेक करके लें। और अभी इनका कानूनी कार्रवाई जारी है, और पुलिस रिमांड के बाद आगे इनकी बारे में कौन कौन इन्वॉल्वमेंट है इसका पता लगाया जाएगा। वहीं आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने पिछले 5 से 6 साल से नकली घी बनाने की फैक्ट्री लगाई हुई है। आरोपी धर्मेंद्र मित्र सेन के साथ नकली घी बनाने का काम करता है। आरोपियों को मामले में पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लेने के लिए अब अदालत में पेश किया जाएगा। पंजाब की सुटीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।